आपको सीधे ही चलते हैं दिल्ली, जहां पर भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उनको लगने वाला है, क्योंकि बताया यह जाता है कि आजकल वो भविष्यवाणी ज्यादा कर रहे हैं। संविधान को देखना, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, कानून की पढ़ाई करना, यह उनकी प्राथमिकता अब रही नहीं है। कुछ दिन पहले भाजपा के दिल्ली ऑफिस से हमने एक प्रेस वार्ता करी थी और हमने बताया था कि कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। जांच एजेंसियों पर हमारा पूर्ण विश्वास है और कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ये ना समझे, कानून की जो तलवार थी वो उनके ऊपर और एक्यूज नंबर वन उप मुख्यमंत्री बेईमान मनीष सिसोदिया के ऊपर अब नहीं लटक रही। कल मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ईडी द्वारा एक अभियुक्त अमित अरोड़ा की रिमांड के लिए फाइल हुई थी कोर्ट में, और जो तथ्य इससे सामने आए हैं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि ये तथ्य जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, विवेचना हुई है, उसके आधार पर हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया किंग पिन और भ्रष्टाचार में उनके गुरु अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही ये काम कर रहे थे। और ये जो क्लीन चिट का ढिंढोरा पीट रहे थे, तो जैसा हमने पहले कहा, अब ये प्रमाण के तौर पर कोर्ट में भी साक्ष्य रखे गए हैं, बात कही गई है कि ये विवेचना अभी चल रही है। और मैं अरविंद केजरीवाल की तरह अनर्गल बातें करना, भविष्यवाणी करना, बिना कोई प्रमाण दिए इधर उधर की बात करना नहीं करते। हम लोगों की एक जिम्मेदारी। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया का, जो कि आम आदमी पार्टी और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लगा रहे थे। किस तरीके से जो शराब घोटाले का मामला, उसमें तथ्य दर तथ्य चीजें निकल के आ रही, उसके आधार पर वो तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे।